जीएसटी काउंसिल की कल हुई बैठक में फैसला लिया गया। करीब 100 सामान ऐसे हैं जो कि अब सस्ते हो गए हैं। कई ऐसे सामान हैं जिन्हें टैक्स फ्री भी कर दिया गया है। कई सामान घर गृहस्थी से जुड़े हुए हैं जो अब 27 जुलाई से जो नई दरें लागू होंगी उसके बाद काफी सस्ते हो जाएंगे। आम जनता को फायदा होगा। ये आम जनता जो उपभोग कर रही चीजों को खरीदती है, तो आज वो चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे टीवी सेट्स हो, या ग्राइंडिंग मशीन्स हो, पेंट्स हो और अन्य अनेक सैनिटरी नैपकिन, समान चीज़ों की जो कर के दरों में कटौती की गई है, इसका अंततः फ़ायदा तो आम जनता को मिलेगा। और देखिए, एक आम धारणा ये है कि टैक्स की दरों को अगर कम किया जाएगा तो अंततः राजस्व बढ़ेगा। इसलिए हम लोगों को पूरा भरोसा है कि राजस्व के अंदर बढ़ोतरी होगी। आम जनता को फायदा। काउंसिल ने टैक्स की कटौती की बारिश करने का काम किया है। देश के आम उपभोक्ता के हित में 50 से अधिक आइटम पर टैक्स की कटौती करने का निर्णय किया है। सिंपल प्रोसीजर्स के साथ में रेवेन्यू बढ़ेगा, तो इसलिए हमें रेवेन्यू के घटने की उतनी चिंता नहीं है, बल्कि आम उपभोक्ता को राहत देनी थी, छोटे व्यापारी को राहत देनी थी और आगे लघु उद्योग को राहत देने का भी हमने अगले 2 सप्ताह बाद हमने एक बैठक करने का, मीटिंग करने का फैसला किया है। 12% के टैक्स से जीरो कर देने से आम उपभोक्ता को निश्चित तौर पर लाभ मिलता है, मिलेगा, और इस बात को हम इंश्योर करेंगे कि जो हमारी एंटी प्रॉफिट शेयरिंग अथॉरिटी है कि वो जो भी कटौती हमने की है उसका लाभ आम उपभोक्ता तक पहुंचा। तो कल हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद उपभोक्ताओं को तो फायदा दिया ही गया है, साथ ही साथ राजस्व बढ़ने का भी अनुमान जताया गया है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।